पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार की ओर से कल एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया है, जिसमें 710 नियुक्ति पटवारियों को दी जाएगी और पटवारियों के नए पदों के लिए विज्ञापन भी जल्द जारी होंगे। जालंधर पुलिस ने नशा तस्कर मलकीत सिंह उर्फ काली को गिरफ्तार किया। मलकीत सिंह के पास से 9 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुरदासपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 3 नशा तस्करों की 52,18,000 रुपए की प्रॉपर्टी पुलिस ने अटैच कर ली है। 13 नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी कर रही है और एसएसपी गुरदासपुर दायमा हरीश कुमार ने बताया कि नशा तस्करों पर हकील कसने के लिए जिला पुलिस लगातार काम कर रही है। गिद्दड़बाहा हल्के के कई गांव में मनरेगा कार्यों में हुए कथित घोटालों की बात सामने आई है, जिसके बाद जिला परिषद श्री बुक्सर साहिब के चेयरमैन नरेंद्र सिंह कावनी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण श्री बुक्सर साहिब अध्यक्ष चरणजीत सिंह संधू सरपंच सदर वाला ने आरोप झूठे बताए। उन्होंने कहा कि गिद्दड़बाहा निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे अमरिंदर सिंह राजावड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं और इससे विरोधी बौखला गए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की अनुशासन कमेटी ने जिला होशियारपुर की गढ़शंकर विधानसभा के 4 भाजपा नेताओं को पार्टी से बदमुख करने का फैसला किया है। भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निविशा मेहता धर्मविंदर सिंह ढिल्लो कुलदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को तत्कालीन प्रभाव से उनके पद से मुक्त करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। पंजाब सरकार के द्वारा फरीदकोट जिले में स्थित सरकारी दफ्तरों में टी शर्ट जींस पहनकर आने पर पाबंदी है और जिले के डीसी ने सभी विभागों के प्रमुखों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी कर दिए। इसको लेकर डीसी के द्वारा एक चिट्ठी भी लिखी गई। पंजाब के नवांशहर में पिछले दिनों गांव गढ़ी में हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है और एक युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इसे सुलझा लिया है और 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।